फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं, और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे, और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था, और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है, और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं, जो कि YouTube पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 हे फिल्म में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेसिल जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं, और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है, और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है, और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अजू और द्वारा नियंत्रित करी गई है, और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स, हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी, और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 हे दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग, यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता, मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे, और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में, और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने भी इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बेसिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्लाथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी, और अब
दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इस नए फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जय 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म का नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की डायरेक्ट पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और YouTube पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। YouTube पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी, तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों आपको बता दें जन गण मन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जन गण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया जय 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 है इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है, दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक
अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाएगा, और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था, और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है, और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फ़नी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी। मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है, और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 हे फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का, और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है, और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी, और IMDb ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है।
और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने आउट ऑफ 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं, और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं, जो कि YouTube पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेशील जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेशील जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेशील जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे। मूवी की
OTT राइट्स किसने ख़रीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग या मूवी मॉलीवुड क्या है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बासिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बासिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पलथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जय 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बासिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म का नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की तारीख पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें, इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों, आपको बता दें, जन गण मन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जन गण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया, जय 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 है इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं।
इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है। दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने, मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है, जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी, मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 हे फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है।
फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज़ किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDB ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से, वह शॉक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं, जो कि YouTube पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेशील जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेशील जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स हमें इस फिल्म का
डिजिटल राइट किसने ख़रीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट किसने ख़रीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथु जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने ख़रीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग या मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बासिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बासिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्थू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इस नए फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जय 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म का नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की तारीख पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें, इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों, आपको बता दें, जन गण मन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक
यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जन गण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया जय 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 है इस नाम से। तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है। दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 है फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 फिल्म को आप कहां पर देखें तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी, मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन
और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज़ किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDb ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Disney+ Hotstar पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 है मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 है रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में 2 कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 है बहुत अलग विचारधारा वाले 2 पति-पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और
बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हार्श मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जया 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 है। फिल्म में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेसिल जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अजू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और ओटीटी राइट्स हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बेसिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्लाथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जया 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म के नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की डायरेक्ट पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है।
आपको बता दें इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी, तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों आपको बता दें जनगण मन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनगण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया जय 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 हे इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में इंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को इंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर इंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को Disney+ Hotstar पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है, दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी, तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल YouTube पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ
मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी, मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानकों और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का, और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है, और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDb ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है, और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं, वहीं आरजू विगेश इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर
देख सकते हैं। और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे। मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ट पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेसिल जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अजू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सेटेलाइट राइट किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग, यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता, मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बेसिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्लाथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और
चार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इस नए फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जया 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म के नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की डायरेक्ट पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी, तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों आपको बता दें जनगण मना फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनगण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया जय 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 है इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है, दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक
अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाएगा, और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 है फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी। मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपू के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का, और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDb ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है।
फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती अपने नए हस्बैंड से वह शौक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं, वहीं आरजू विगेश इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने आउट ऑफ 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा टीवी पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेशील जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेशील जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स, हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सेटेलाइट राइट किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेशील जोसेफ और पल्लाथु जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे, लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है
जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को ना देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बासिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बासिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पलथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जय 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म का नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की तारीख पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें, इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों, आपको बता दें, जनगणमन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनगणमन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया, जय 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 है इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह
मूवी अब वहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है। दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने, मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है, जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी। मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानकों और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है।
फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को तमिल मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज़ किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDB ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से, वह शॉक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसके इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Disney+ Hotstar पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 है मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 है रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 है बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं, जो कि YouTube पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेशील जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेशील जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स हमें इस फिल्म का
डिजिटल राइट किसने ख़रीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट किसने ख़रीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को ना देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने ख़रीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बासिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बासिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्थू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जय 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म के नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की तारीख पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें, इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों, आपको बता दें, जनगण मन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक
यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जन गण मन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया, जय 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 है इस नाम से। तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है। दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने, मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 है फिल्म को आप कहां पर देखें तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले और मूवी ने ज़बरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी। मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन
और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज़ की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानकों और बोबन रिपो के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज़ किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDB ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसके इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Disney+ Hotstar पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 है मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेशील जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 है रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 है बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और
बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हार्श मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जया 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 है। फिल्म में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेसिल जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अजू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और ओटीटी राइट्स हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बेसिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्लाथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और विचार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जया 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म के नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की डायरेक्ट पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और यूट्यूब पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यूट्यूब पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान
इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें, इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी, तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों, आपको बता दें, जनगणमन फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनगणमन इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया, जय 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 हे, इस नाम से। तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में एंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहां पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है, दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने, मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी, तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाए और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है और आप इस
फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 है फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी, मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपू के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है, तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDB ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसके इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं, वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, वन टाइम वॉच यह फिल्म जरूर ही है, आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के बारे में, जय 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 है मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं,
लगते हैं। और इस फिल्म में, यह मलयालम मूवी है और इस फिल्म में आपको इस वीडियो में मूवी के रिगार्डिंग कई सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की पूरी स्टोरी और फिल्म की पूरी कहानी को हम एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी की OTT रिलीज कब तक, इस फिल्म को OTT पर, सिनेमा TV पर देखा जा सकता है और सारी जानकारियों को भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 हे। मूवी को OTT रिलीज के बारे में बात करें तो मूवी हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना जानेंद्र की यह पहली बार किसी फिल्म के लिए जोड़ी बना रहे थे और इसी फिल्म का नाम जय 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 हे रखा गया है और इसी के बेस्ड पर इस फिल्म की कहानी को बनाई गई है। मूवी का नाम हमें कुछ यूनिक रखा गया था और इस फिल्म में मूवी निर्माता से नाटकीय रिलीज की तारीख की घोषणा करी गई है। रिलीज डेट से उस पर कास्ट और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मूवी में दो कपल की कहानी बताई जाती है। जय 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 हे बहुत अलग विचारधारा वाले दो पति पत्नी विवाह इस हास्य मनोरंजन फिल्म की पृष्ठभूमि में कार्य करता है। मूवी को एक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करी गई है। फिल्म को हास्य मनोरंजन मूवी हमें देखने को मिलती है। मूवी में हमें टीम विशिष्ट रूप से कहानी को गुप्त रखती है और इस मनोरंजक फिल्म की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जल्द ही एक टीजर या ट्रेलर आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस फिल्म की कलाकार के बारे में बात करें तो जय 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 है फिल्म में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन प्रमुख भूमिका में देखने को मिलते हैं। बेसिल जोसेफ हमें इस फिल्म में लीड हीरो की भूमिका निभाते हैं और हीरोइन में लीड एक्ट्रेस का किरदार हमें दर्शना राजेंद्रन की भूमिका में देखने को मिलती है। मूवी में विपिन दास के द्वारा लिखी और निर्देशित करी गई है और जबकि लक्ष्मी वॉरियर और गणेश मेनन के द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। सुपर डुपर फिल्म्स का सहयोग हमें चीयर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म में म्यूजिक अंकित मेनन के द्वारा दिए गए हैं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अजू और द्वारा नियंत्रित करी गई है और जबकि फिल्म में हमें रिलीज और OTT राइट्स, हमें इस फिल्म का डिजिटल राइट किसने खरीदे हैं, मूवी का सेटेलाइट राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म में बेसिल जोसेफ और पल्लाथू जानवर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में टिकट खिड़कियों पर कुछ अप्रत्याशित राशि के लिए सफलतापूर्वक बटोर रही है। कुछ उनकी नई फिल्म जय 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 है दिवाली में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मूवी निश्चित रूप से इस दिवाली अपने भविष्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगी। हम इस फिल्म को 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और मूवी को वहीं पर हम इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि मूवी तो अक्टूबर में ही रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को न देख पाया है और मिस कर दी है, उन सारे के लिए यह मूवी थिएटर्स के लिए बनी है। मूवी का नाम हमें इस वीडियो में बताएंगे, मूवी की OTT राइट्स किसने खरीदे हैं, इन सारी बातों को हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मूवी में फिल्म उद्योग, यह मूवी मॉलीवुड का है, जैसे कि बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, टॉलीवुड होती है, इसी तरह से इस मूवी को मॉलीवुड माना जाता है क्योंकि इस फिल्म को मलयालम मूवी में बनाया गया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता, मूवी के हमें निर्देशक विपिन दास रहे थे और इस फिल्म को मलयालम में रिलीज किया गया था। मूवी में लीड रोल में हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन देखने को मिलती हैं। मूवी की OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और OTT रिलीज की तारीख 22 दिसंबर 2022 को रही है। मूवी को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई थी थिएटर्स में और आप वहां पर इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो मूवी को डिजिटल अधिकार पर रिलीज भी कर दी गई है। इस फिल्म की बात करते हैं, बेसिल जोसेफ ने पहले ही ओनम के लिए पल्लाथू और जानवर के साथ सफलता हासिल कर ली थी और अब दिवाली के लिए हिट के लिए तैयार हो रहे हैं। जय 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 है एक मनोरंजक और
चार उत्तक फिल्म होगी जो कि निश्चित रूप से दर्शकों को जोड़ेगी। यह फिल्म टीम ने थिएटर में रिलीज की पुष्टि करी है, इसलिए एक सफल फिल्म के लिए सफल थिएटर रन के बाद ही इस फिल्म का डिजिटल प्रसारण होगा। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर इसने फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं और जया 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 है मूवी की OTT रिलीज डेट हमें बेसिल जोसेफ और दर्शना राजेंद्रन ने हाल ही में रिलीज करी थी। डियर फ्रेंड के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन वे इस फिल्म में पहली बार एक जोड़ी के रूप में अभिनय करते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म टीम 11 अक्टूबर को इस फिल्म के नाटकीय रिलीज की घोषणा करी गई है, लेकिन फिल्म की OTT रिलीज की डायरेक्ट पुष्टि होना इसका तय पहले नहीं किया गया था कि फिल्म को कब OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह बात भी अब सामने आ चुकी थी। इस फिल्म को नवंबर से दिसंबर के बीच में OTT रिलीज की उम्मीद कर रहे थे और फिल्म को रिलीज कर भी दिया गया है और टीजर में इसमें गाने बहुत ही मनोरंजक हैं और YouTube पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। YouTube पर रिलीज के बाद दर्शकों का ध्यान इस फिल्म ने खींचा है और मूवी का टीजर ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है और फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें इस फिल्म को मलयालम में रिलीज करी गई थी, तो इस फिल्म में मलयालम में काफ़ी बेहतरीन किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, खासकर उनकी भूमिका के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले निभाया है। इस वजह से फिल्म का एक पॉजिटिव हमारे सामने बनकर उभरती है और फिल्म काफ़ी अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित भी होती है। आपको बता दें इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक के थ्रू और मूवी को इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने भी ठीक ही रिस्पॉन्स किया था और ख़ासकर इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करी गई थी, तो इस वजह से फिल्म का लुक काफ़ी बेहतर था और दर्शकों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और इस वजह से फिल्म का कई सारे किरदारों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और जिससे मूवी काफ़ी बेहतरीन बनकर हमारे सामने उभरती है। दोस्तों आपको बता दें जनगणमना फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसमें हमें कई सारे किरदारों का एक अच्छी भूमिका को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही साथ एक यूनिक नाम को ऐड किया गया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनगणमना इसी मूवी का एक सॉन्ग का छोटा सा लास्ट वाला एंथम को इसमें मूवी का टाइटल दे दिया गया जय 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 है इस नाम से, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें देखने में लगती है और फिल्म का नाम कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस फिल्म को आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी आप थिएटर में इंजॉय कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को थिएटर से अब हटा दी गई है क्योंकि मूवी रिलीज हुए काफ़ी ज़्यादा दिन भी हो चुके थे। इस वजह से आप फिल्म को इंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को रिलीज कर दी गई है और आप इसे OTT पर इंजॉय कर सकते हैं अच्छे रिव्यूज के साथ और फिल्म को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह मूवी अब वहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह फिल्म को आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है, दर्शकों को यह आकर्षित करने में ज़्यादा सफल रहती है और इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। फिल्म को इस मूवी में आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का एक बेहतर इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है और इस वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मूवी के ट्रेलर को ही काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और सभी क्रिटिक्स ने मूवी के रिव्यूअर्स ने काफ़ी बेहतरीन इसमें प्रदर्शन करने के लिए सभी के कार्यों को सराहा था और इस वजह से फिल्म का एक अच्छा पॉजिटिव लुक हमें देखने को मिलता है जिससे कि लोग दर्शकों के द्वारा सिनेमाघरों में जाकर इसे एंजॉय करने के लिए आसानी से हो सकते थे। फिल्म का कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस फिल्म में दिखा दें कि मूवी एक बेहतरीन किरदारों में काम करती है और एक
अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म की स्टोरी को एंड करते हुए हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी कई सारे किरदारों पर एक अच्छी भूमिका को निभाती है और फिल्म ने एक बेहतरीन इम्प्रेशन हमारे सामने छोड़ती है। आपको इस फिल्म को मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द इस फिल्म को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म की कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी और यूनिक रही थी। तो फिल्म को उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को जल्द ही हिंदी में भी डब किया जाएगा, और हिंदी में डब न भी किया जाएगा तो मूवी का रीमेक हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुमान से इस फिल्म को, जो भी मूवी बहुत ही अच्छी होती है, इसका हिंदी में रीमेक किया जाता है ताकि लोग इस मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और फिल्म से रिलेटेड और भी एक अच्छी बातों को हमें पब्लिक के द्वारा या जनता को मैसेज पहुँचे कि यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी। फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फिल्म में कई सारे किरदारों को कुछ खास ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बनाया गया था और इस वजह से फिल्म का एक नेगेटिव रोल भी हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रहती है और फिल्म का एक बेहतर लुक हमारे सामने देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मूवी की कहानी और मूवी के किरदारों के बारे में। इस फिल्म को 28 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और जय 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 हे फिल्म को टीम ने 26 अक्टूबर को ट्रेलर जारी कर दिया है और एक मज़ेदार राइड हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। और आप इस फिल्म का ट्रेलर को ऑफिशियल यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप इसे सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फनी वे में दिखाई गई है। जय 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 है फिल्म को FAQ मूवी का एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज कर दी गई थी और फिल्म को आसानी से उपलब्ध हमें देखने को मिलती है। फिल्म हमें बेहतरीन तरीके से डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाती है। जय 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 है फिल्म को आप कहां पर देखें, तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं और 28 अक्टूबर को देख सकते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करते हैं मूवी की कलेक्शन के तले, और मूवी ने जबरदस्त दर्शकों के प्रतिक्रिया पर बनी थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के राइट्स में हमें खरीदा गया है। आपको यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी नहीं मिलेगी। मूवी आपको सिर्फ डिजिटल राइट्स में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म को OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं जय 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 है फिल्म के बारे में, तो यह मूवी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसमें मुख्य अभिनेताओं को अप्रत्याशित संयोजन और फिल्म के सिनेमाघरों से तो भरपूर मनोरंजन किया जाता है। अब निर्माताओं ने OTT रिलीज की घोषणा करने के लिए तैयार होती है और आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत हमें दिखाई गई है। उसके बाद कुंचानको और बोबन रिपू के साथ साथ मूवी की OTT रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म का बहुत सा कुछ लंबा समय इस फिल्म में रिलीज करने के लिए टाइम नहीं ली थी। फिल्म को बहुत ही जल्दी थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को बहुत ही जल्दी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 2 से 2.5 महीने के बीच में फिल्म को थिएटर में से हटा करके मूवी को OTT पर ला दिया गया है। तो फिल्म ने ज़्यादा समय नहीं लिया है दर्शकों का, और इस वजह से फिल्म एक पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलती है। जय 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 है इस फिल्म को क्रिटिक्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ फिल्म ने कई सारे किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म की एक्टिंग के लिए उन्हें सराहा भी है। फिल्म में जय जय है मूवी की बात करते हैं, इस फिल्म का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है और फिल्म को मलयालम में काफ़ी बेहतरीन भूमिका देखने को मिलती है। इस फिल्म की बात करते हैं, मूवी को 2022 में ही रिलीज किया गया था और CBFC अंडर द रेटेड यू के तले इसे बनाया गया था। मूवी में हमें इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाई जाती है और जो कि कॉमेडी श्रेणी में रखा जाता है। मूवी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें इस फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी और IMDb ने इस फिल्म को 8 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म को 95% इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और यह हमें प्रूव करती है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी खासी है। फिल्म में कहानी हमें दिखाई जाती है एक ब्राइड की, यंग ब्राइड की, जया की, जो कि कंप्लीट करना चाहती है अपनी एजुकेशन, लेकिन वह मौक रहती है अपने नए हस्बैंड से वह शॉक रहती है।
और सभी को वह फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और इंस्पिरेशनल अदर मैरिड वोमेन से वह इंस्पायर होती है। उसकी इस फिल्म की रिलीज डेट 28 अक्टूबर को करी गई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ की कमाई करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस फिल्म को अंकित मेनन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी चीयर्स एंटरटेनमेंट रही थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बबलू अज्जू के द्वारा दिया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर विपिन दास रहे थे। इस फिल्म को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म में कास्ट के बारे में बात करें तो बाशील जोसेफ हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दर्शना राजेंद्रन और मजनू पाली देखने को मिलती हैं। वहीं आरजू विगेस इस फिल्म का एक बेहतर किरदार हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। फिल्म को इसे 5.7 की रेटिंग दी है गूगल यूजर्स ने आउट ऑफ 5 में से। आप इस फिल्म को अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। वन टाइम वॉच यह फिल्म ज़रूर ही है, आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए।